नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे इंस्टेंट लौकी का हलवा, जो नॉर्मल हलवा बनाने के आधा समय लेता है, बहुत जल्दी बनाता है। आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लगभग 750 ग्राम जितनी लौकी कद्दूकस करके ली हुई है। साथ ही में मैंने यहाँ पर घी गरम होने रख दिया है। अब ये जो लौकी कद्दूकस करके रखी हुई है वो हमें इसमें डाल देंगे। अगर सॉफ्ट बीज हैं तो कोई बात नहीं, वो गल जाएंगे। थोड़े हार्ड हैं अगर तो फिर उनको आप बीच में से काट कर निकालें, उसके बाद कद्दूकस करें। ये देखिए, घी में मैंने ये जो लौकी क्रश की हुई थी वो सारी डाल दी है। अब हम इसको हिलाकर लगभग 10 से 12 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 10 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो हमारी ये जो लौकी है बिल्कुल ही पक गई है, और जैसे कि आप देख रहे हैं उसने घी छोड़ दिया। ये देखिए, हमारी लौकी बिल्कुल पक चुकी है। अब यहाँ पर हमने उसके बाद एक ग्लास मैंने लिया है दूध, और साथ ही में मैंने ये इस तरह के जो मिल्क पाउडर का 10 रुपए वाला पैकेट आता है, ऐसे मैंने यहाँ पर 3 पैकेट लिए। ये जो मिल्क पाउडर है हमें वो इस दूध के अंदर मिक्स करना है, बिल्कुल गट्ठे ना रहे उस तरीके से। मिल्क पाउडर और दूध का हमने पेस्ट बना लिया है दोस्तों, और हमको ये खौलती हुई लौकी में डाल देना है। इसको अच्छे से चला लेना है लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। लगभग 2 मिनट खोलने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ये जो मिश्रण है तुरंत ही गाढ़ा हो गया है दूध और मिल्क पाउडर की मदद से। उस वक्त हम इसमें डालेंगे आपके स्वाद अनुसार लगभग 5 से 6 चम्मच चीनी, और इसको फिर से 1 से 2 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 2 मिनट के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा हलवा जो है एकदम गाढ़ा हो चुका है। उस वक्त मैंने यहाँ पर लिया है दोस्तों सिर्फ 1 चुटकी भर के खाने का हरा रंग। ये दोस्तों ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा हो तो ही डालें, वरना ये जरूरी नहीं है। जरूरी है सिर्फ अट्रैक्टिव देखने के लिए। 1 मिनट मिक्स करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ही परफेक्ट पेस्टल शेड इसका आ चुका है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 5 से 6 कुटी हुई इलायची का पाउडर, और वो भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 10-12 काजू, 10-12 बादाम और थोड़े से किशमिश, इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा कूट कर। देखिए हमारा लौकी का हलवा जो लगभग आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त लेता है वो सिर्फ 15 मिनट में बनके इंस्टेंटली तैयार हो गया है। ये देखिए दोस्तों, हमारा इंस्टेंट लौकी का हलवा फटाफट बनके तैयार हो गया है सिर्फ 15 मिनट में। दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना।